friends, welcome again to Real Home Making. Today is Saturday and finally it's weekend, so happy weekend. And today we had a lazy start. It's around 8 o'clock right now and we just woke up. I just woke up 15 minutes back and my husband and Andrew just woke up. And maine 15 minute pehle ye socha tha ki aaj hum poha wagera banayenge breakfast mein, but my husband wants to eat something outside. So let's see, he's searching some place to go. But I'm not sure whether we'll be going or not, because I don't like eating bagels at all. And in our city, every place serves bagel, cream cheese, stuff like that. So I'm not sure whether we'll be going or not. So right now, I am in the kitchen to make banana shake for Anirudh. Yes, I'll be making banana shake for him today for the breakfast. And maybe अगर हमारा प्लान नहीं बनता तो फिर मैं हम लोगों के लिए भी पोहा बनाऊंगी. सो फ्रेंड्स, फाइनली वी ड्रॉप द प्लान ऑफ गोइंग आउट एंड अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में वेरी सिंपल आलू एंड प्याज का सैंडविच. मैंने पोहा इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मेरे हस्बैंड को पोहा खाना थोड़ा कम पसंद है. और जब भी मैं पोहा बनाने के लिए बोलती हूँ, ही ट्राइज टू सर्च सम अल्टरनेटिव्स. तो उन्होंने बोला कि आज बहुत ही बेसिक ब्रेकफास्ट बनाते हैं. तो बस मैं अभी यही फटाफट से सैंडविच बना रही हूँ और यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है. तो देखिए, यही आज का ब्रेकफास्ट था, सैंडविच अलॉन्ग विद अ कप ऑफ टी. तो बस अब ब्रेकफास्ट हो चुका है और नाउ इट्स टाइम टू क्लीन अप द हाउस. बट क्लीनिंग करने से पहले मैं अपने लैपटॉप पे कुछ लगा लेती हूँ जिससे कि सुनते सुनते मेरा काम भी हो जाए और मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत भी ना हो. तो आज मैंने सुंदरकांड का पाठ लगाया क्योंकि सैटरडे है. सैटरडे और ट्यूसडे मैं सुंदरकांड का पाठ लगा लेती हूँ बिकॉज डे टू डे लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक घंटा बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर पाएं. सो आई ट्राई टू पुट इट ऑन कंप्यूटर एंड मैं सुनते सुनते काम भी कर लूंगी और मुझे बहुत ज़्यादा बोर भी नहीं लगेगा. और अनिरुद्ध का शावर वगैरह हो चुका है, उसके डैडी ने उसे शावर करा दिया है, वो खेल रहा है. आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ दम आलू की सब्जी. और दम आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने कल बेबी पोटैटोज लिए थे, तो अभी मैं इसे प्रेशर कुक करने के लिए रख देती हूँ. मैं जस्ट 5 से 6 पोटैटोज ले रही हूँ और इसे मैं 1 whistle तक प्रेशर कुक करूंगी. एंड इन द मीन टाइम आई विल डू द क्लीनिंग. एंड आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो अभी मैं अपने बालों में थोड़ा दही लगा लूंगी और उसके बाद मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट करूंगी जिससे कि थोड़ा सा दही रह भी जाएगा बालों में और तब तक मेरी क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद आई विल जस्ट टेक शावर टू वॉश इट ऑफ. Hello friends, so now I am back in the kitchen. I have done with my shower and everything and now it's time to prepare lunch. और lunch में आज जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं दम आलू बनाने जा रही हूँ, तो मैंने आलू को 1 whistle तक प्रेशर कुक किया है और अब ये ठंडा भी हो गया है. इसे मैं फटाफट पील करूंगी और एक स्टव पे मैंने चावल बनाने के लिए रख दिया है बिकॉज अनिरुद्ध इज गेटिंग हंगरी और उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी लंच प्रिपेयर करना है. तो चलिए हम लोग दम आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं. तो सबसे पहले मैं जीरा राइस बना रही हूँ अनिरुद्ध के लिए. तो यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 1 teaspoon घी और उसमें डाला है क्यूमिन सीड्स और उसमें मैं प्री कुक्ड राइस ऐड कर रही हूँ
और अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी, और बस जीरा राइस बनके रेडी हो जाएगा। और उसके बाद उसके डैडी उसे लंच करा देंगे, जब तक कि मैं बाकी का लंच प्रिपेयर करूंगी। और अब मैं बना रही हूँ दम आलू की सब्जी। तो दम आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे पैन में सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून घी, और उसमें मैं डाल रही हूँ बेबी पोटैटोज जो अभी मैंने 1 विसल के लिए प्रेशर कुक करके रखे थे, और उन्हें मैंने इस तरीके से हाफ कट कर लिया है। हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से टर्न करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। मैंने डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं सारे साइड से, और अब मैं इसे निकाल लूंगी। नाउ अगेन इन द सेम पैन आई एम टेकिंग जस्ट 1 टीस्पून घी, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक एंड कुकिंग इट फॉर सम टाइम सो दैट इट्स रॉ फ्लेवर गोज अवे। एंड नाउ आई एम एडिंग द अनियंस, और अनियंस को थोड़ा सा हमें ब्राउनिश होने तक, कैरामलाइज होने तक कुक करना है। और अब इसमें मैंने ऐड किया हैंडफुल ऑफ पम्पकिन सीड्स। इंस्टेड ऑफ पम्पकिन सीड्स यू कैन ऑल्सो ऐड कैश्यूज। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है टमेटो, और इसे थोड़ा सा हम कुक करेंगे जब तक टमेटोज थोड़े से मशी नहीं हो जाएंगे। तो देखिए टमेटोज कुक हो गए हैं, एंड आई विल जस्ट टेक इट ऑफ द फ्लेम एंड लेट इट कूल डाउन, और उसके बाद हम इसकी प्योरी बनाएंगे। नाउ अगेन इन द सेम पैन आई एम टेकिंग 1 टीस्पून घी, और अब इसमें मैं डालूंगी क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक पाउडर एंड होल गरम मसाला, उसमें जस्ट बे लीव्स एंड 2 ड्राई रेड चिली। और अब इसमें मैंने प्योरी डाल दी है टमेटो, अनियन, ग्रीन चिली एंड जिंजर एंड गार्लिक जो अभी मैंने सॉटे करके रखा था उसकी, और इसमें मैंने थोड़ा सा होल मिल्क डाला था प्योरी बनाते वक्त। और अब इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, किचन किंग मसाला एंड पनीर मसाला। अभी हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे जब तक कि इसमें फर्स्ट बॉईल नहीं आ जाएगा। तो अब सब्जी में फर्स्ट बॉईल आ चुका है, और अब इसमें मैं बस सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस अब इसे मैं मिक्स कर लूंगी। और इसमें मैं पोटैटोज डाल रही हूँ जो अभी हमने सॉटे करके रखे थे। ये सब्जी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही झटपट बन जाती है, लेकिन बहुत ही लैविश और बहुत ही रिच लगती है खाने में। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला है और थोड़ा सा कसूरी मेथी, इस तरीके से मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। और ये सब्जी देखिए बन के झटपट रेडी हो गई है। आप इसे ज़रूर अपने गेस्ट के लिए बनाएं, ट्राई करें, और आई एम श्योर यू विल लव दिस रेसिपी। तो आज का यही हमारा लंच था। सो फ्रेंड्स, आज का लंच बहुत ही यमी बना था। सब्जी वॉज रियली यमी एंड इट इज हेल्दी टू, बिकॉज आई जस्ट यूज 3 टीस्पून घी इन द एंटायर रेसिपी, नो डीप फ्राइंग, नथिंग। एंड राइट नाउ अनिरुद्ध एंड माई हस्बैंड आर जस्ट स्लीपिंग, और मुझे पता नहीं क्यों दोपहर में बिल्कुल नींद नहीं आती, सो आई नेवर स्लीप इन द आफ्टरनून। और नींद ना आने की वजह से मुझे बहुत तेज भूख भी लगती है, पता नहीं लंच करने के बाद और इवनिंग में 6 o'clock तक मुझे बहुत भूख लगती है। सो मैं उस टाइम पे ग्रीन टी, फ्रूट्स वगैरह पी के काम चलाती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी मंचिंग ना करनी पड़े। या इन माई लास्ट वीडियो आई पोस्टेड दैट आई वेंट टू डॉलर ट्री एंड वन ऑफ यू यू आस्क मी टू डू अ हॉल ऑफ दैट, बट आई डिडंट बाय अ लॉट ऑफ स्टफ, आई जस्ट बाय बॉट दिस बेसिक प्लास्टिक बास्केट। आई टोल्ड यू आई जस्ट हैव टू बाय अ प्लास्टिक बास्केट लाइक दिस वन, सो आई जस्ट बॉट दिस वन। सो कोई मैंने हॉल नहीं किया इसका, एंड इसमें मैंने सारे अपने माउस वगैरह, वायर वगैरह जो भी यहाँ रहते थे वो ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। तो बस यही था। अभी आज शाम को देखते हैं, शायद हम मॉल जाएं, बिकॉज आई हैव टू गेट माई थ्रेडिंग डन। और मैं आपको बता दूं कि मॉल में एक RMLA करके आउटलेट है जहाँ पे मैं पहले थ्रेडिंग कराती थी, बट वहाँ पे मैंने कुछ रीजंस की वजह से आई स्टॉप माई मंथली सब्सक्रिप्शन देयर एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू द अदर प्लेस। और अभी मेरे को 3-4 दिन पहले उनका एक मैसेज आया कि आई हैव अ कूपन कोड जिसमें मुझे जस्ट $4 में मेरी थ्रेडिंग हो जाएगी। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड यू नो, पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता।
मैं सोच रही हूँ कि इवनिंग में हम लोग जाएं, थ्रेडिंग वगैरह मैं करा लूँ और बस। तो अभी मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ। इन द इवनिंग आई मेड वाटरमेलन लस्सी फॉर ऑल थ्री ऑफ अस एंड this recipe is a hit in my family. I have already shared its recipe in one of my video. If you want to check it out, I'll put the link here on the I button and also in the description box. ये गर्मियों की बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, so I would highly recommend you to try this out. So friends, now we are going to the mall and हम लोग डिनर करके निकले। डिनर में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि जो मैंने दम आलू की सब्जी सुबह बनाई थी वो ही बची हुई थी और मेरे पास डो भी रखा था, तो हम लोगों ने चपाती बना के खा ली। और इट्स स्टिल सो सनी, मुझे ये शर्ट पहन के निकलना पड़ा क्योंकि मुझे, आपको पता है, एक्जिमा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सन। तो बस अभी हम लोग मॉल जाके थोड़ी इंजॉय करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे प्ले एरिया है, वहाँ पे अनिरुद्ध भी इंजॉय करेगा। से हेलो। वो आज थोड़ा सा नाराज़ हो गया है, मैंने उसे डांट के पीछे बिठा दिया क्योंकि वो बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा था पीछे बैठने के लिए। सो फ्रेंड्स, वी हैव जस्ट स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द रोड बिकॉज आज हमने एक, जैसे इंडिया में होता है ना, रोड साइड स्टॉल्स होती हैं रेडू टाइप, तो वही हमने यहाँ पर पहली बार देखा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोला चलो देखते हैं कि क्या मिल रहा है। सो हम उतरे और हमने देखा यहाँ पे स्नोफॉल्स जो होती है ना, जैसे चुस्की बोलते हैं इंडिया में, वो मिल रही हैं। एंड एज यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज बोर्ड, इतने सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास। और अभी अभी मैंने रेसबेरी फ्लेवर ट्राई किया है, आई लव्ड इट। एंड अभी मेरे हस्बैंड कोई और एक और फ्लेवर ले रहे हैं। horrible red marks and it will take around 10 hours to go, so kal tak ye theek ho payenge। and now I'm going to the play area because Anirudh play area mein khel raha hai and yahan pe bahut shor hai, to ho sakta hai meri awaaz aapko acche se na sunai de। अनिरुद्ध ने भी अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली है प्ले एरिया में, और मैं अपनी वीडियो अब यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। और एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगी है, आई थिंक इट विल रेन टुडे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इफ़ यू आर न्यू हियर एंड हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें बिकॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। आई विल सी यू सून विद माय न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।